अच्छा, क्वेश्चन वन में सेइंग के विच प्रॉपर्टी शोज एन इंक्रीज फ्रॉम मैग्नीशियम टू बेरियम. तो दे आर टॉकिंग अबाउट डाउन द ग्रुप. डाउन द ग्रुप वी नो मेटल्स बिकम मोर रिएक्टिव. ठीक है, जितने भी हमने ट्रेंड्स पढ़े हैं ग्रुप टू में, मैग्नीशियम टू बेरियम, ये रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स इंक्रीज होता है और दे गेट इजली ऑक्सीडाइज डाउन द ग्रुप. सही है, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी उनकी डिक्रीज होती है. अगर फर्स्ट कह रहा है फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ द एलिमेंट, तो आयनाइजेशन एनर्जी डाउन द ग्रुप तो डिक्रीज होती है चाहे कोई भी ग्रुप हो. द ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ द मेटल्स. अब मेटल्स डाउन द ग्रुप दे बिकम ऑक्सीडाइज्ड, मतलब मेटल्स दे देमसेल्फ गेट ऑक्सीडाइज्ड. वो ऑक्सीडाइज होना पसंद करते हैं ना, बिकॉज दे लूज इलेक्ट्रॉन. तो अगर वो ऑक्सीडाइज हो रहे हैं तो दे मस्ट बी एक्टिंग एज अ रिड्यूसिंग एजेंट. सही है, तो उनकी रिड्यूसिंग पावर की बात कर सकते हैं, ऑक्सीडाइजिंग पावर की तो बात ही नहीं करनी है उनकी. अच्छा, पार्ट सी कह रहे थे सॉल्युबिलिटी ऑफ द हाइड्रोक्साइड. तो मेटल हाइड्रोक्साइड्स की, ग्रुप टू मेटल हाइड्रोक्साइड्स की डाउन द ग्रुप सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होती है और सल्फेट्स की सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होती है. तो सॉल्युबिलिटी ऑफ मेटल हाइड्रोक्साइड्स इंक्रीज हो रहा होता है. अच्छा देखो, ये ट्रेंड बस याद रखना है आपने. अगर हम सॉल्युबिलिटीज की बात करें तो तीन चीजों की सॉल्युबिलिटीज डिस्कस की जा सकती है. मेटल ऑक्साइड्स की, जिसमें मैग्नीशियम ऑक्साइड आ गया, कैल्शियम ऑक्साइड आ गया, स्ट्रॉन्शियम ऑक्साइड एंड बेरियम ऑक्साइड. उसी तरह मेटल हाइड्रोक्साइड्स की, जिसमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड आ गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, स्ट्रॉन्शियम हाइड्रोक्साइड एंड बेरियम हाइड्रोक्साइड. और फिर सल्फेट्स की, जिसमें मैग्नीशियम सल्फेट आ गया, कैल्शियम सल्फेट, स्ट्रॉन्शियम सल्फेट एंड बेरियम सल्फेट. तो डाउन द ग्रुप सॉल्युबिलिटी ऑफ मेटल ऑक्साइड जो होती है ना, वो इंक्रीज होती है. सॉल्युबिलिटी ऑफ मेटल हाइड्रोक्साइड डाउन द ग्रुप इंक्रीज होती है, लेकिन मेटल सल्फेट्स की सॉल्युबिलिटी डाउन द ग्रुप डिक्रीज होती है. तीन तो ये ट्रेंड याद रखना है, समझने नहीं है बस याद रखना है. और इनकी थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ मेटल कार्बोनेट्स, कि डाउन द ग्रुप थर्मल स्टेबिलिटी इनकी इंक्रीज होती है, मेटल कार्बोनेट्स की भी और मेटल नाइट्रेट्स की भी. सही है, रिकॉल हो गया. आगे बढ़े, ये पार्ट क्वेश्चन वन समझ आ गया है सबको, ऐसा तो नहीं है प्रॉब्लम है गाइस. किसी को प्रॉब्लम है तो पूछ लो, दोबारा बता देता हूँ. क्वेश्चन टू में, एन एक्सेस ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड इज शेकन विद वाटर, द रिजल्टिंग मिक्सचर इज फिल्टर्ड इनटू अ टेस्ट ट्यूब पी. अच्छा, मैग्नीशियम ऑक्साइड को जब वाटर में शेक करोगे तो पार्ट ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड विल डिसॉल्व टू प्रोड्यूस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, बट ये बहुत कम सॉल्युबल होता है क्योंकि डाउन द ग्रुप सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो रही है ना मेटल ऑक्साइड की. An excess barium oxide is shaken with water. The resulting mixture is filtered into test tube Q. तो ये ज्यादातर सोल्यूबल हो जाएगा. बेरियम ऑक्साइड जो है वो ज्यादा सोल्यूबल है, डाउन द ग्रुप है ना, तो ज्यादा बेरियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा. तो ज्यादा एल्केलाइन सोल्यूशन किसका बनेगा? बेरियम हाइड्रोक्साइड का. इट वुड बी मोर एल्केलाइन. एंड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड लेस एल्केलाइन होगा. इसमें पूछे विच ऑक्साइड रिएक्ट्स मोर रीडली विद वाटर एंड विच फिल्ट्रेट हैज लोअर पीएच. फिल्ट्रेट मतलब देखो, इसने अगर बीकर के अंदर वाटर में मेटल ऑक्साइड डाला है, तो अब जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड है वो बहुत ज्यादा सॉल्युबल नहीं है, तो कुछ पार्ट उसका नीचे पड़ा रह जाएगा, कुछ डिजोल्व होगा. और जब इसकी फिल्ट्रेशन कर लेंगे तो फिल्ट्रेट के अंदर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो बना है वो आएगा, और रेजिड्यू के अंदर जो इनसॉल्युबल मैग्नीशियम ऑक्साइड है वो आ जाएगा. तो बेरियम ऑक्साइड ज्यादा डिसॉल्व होगा तो ज्यादा फिल्ट्रेट में बेरियम हाइड्रोक्साइड आएगा. तो उसने क्वेश्चन में सिंपल ये पूछा हुआ है, विच ऑक्साइड रिएक्ट मोर रीडली विद वाटर, दैट इज बेरियम ऑक्साइड एंड टेस्ट ट्यूब विद विद फिल्ट्रेट ऑफ लोअर पीएच. अब लोअर पीएच मीन्स अगर एल्कलाइन सोल्यूशन ज्यादा है तो वो हायर पीएच होगा ना, एल्केलिनिटी तो पीएच बढ़ता है तो बढ़ती है.
तो अगर वो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को वो पी कह रहा है और बेरियम हाइड्रोक्साइड के सोल्यूशन को वो क्यू कह रहा है, तो क्यू जो है वो मोर अल्कलाइन है तो इसका हायर पीएच होगा, तो लोअर पीएच किसका होगा, लेस अल्कलाइन सोल्यूशन का, जो कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का होगा, तो दिस इज लोअर पीएचपी। क्लियर है बात? देखो मेटल हाइड्रोक्साइड की सॉल्युबिलिटी भी तो इंक्रीज हो रही है ना डाउन द रोड, तो बेरियम हाइड्रोक्साइड ज्यादा सॉल्युबल है तो इट इज स्ट्रॉन्गर एल्केली, एंड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज अ वीकर एल्केली। मेटल हाइड्रोक्साइड पानी में आयनाइज होगा तो ही तो एल्केलाइन सॉल्यूशन बनेगा ना। आगे बढ़े, देखो याद रखने वाला काम ज्यादा है इसमें। क्वेश्चन थ्री कह रहे थे स्टेटमेंट अप्लाई टू द एलिमेंट्स इन ग्रुप टू, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट, एज एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस आयनिक रेडियस इंक्रीजेस। सो दिस इज करेक्ट, डाउन द ग्रुप अगर हम बात कर रहे हैं तो एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है, जैसे मैग्नीशियम है उसका 12 है, कैल्शियम का 20 है, नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज हो रहा है, तो एटॉमिक साइज भी इंक्रीज होगा और आयनिक साइज भी इंक्रीज होगा ना। अगर मैं मैग्नीशियम आयन के साइज को कंपेयर करूं कैल्शियम आयन के साइज से, कैल्शियम आयन के पास वी हैव 3 शेल्स और मैग्नीशियम आयन के पास वी हैव 2 शेल्स, 2 प्रिंसिपल क्वांटम शेल, तो एटॉमिक नंबर इंक्रीज मतलब आयनिक रेडियस इंक्रीज, स्ट्रेट फॉरवर्ड है। अच्छा इसका जो पार्ट बी दिया हुआ है ना एज एटॉमिक नंबर, अच्छा वो एज एटॉमिक नंबर इंक्रीज, इन अदर वर्ड्स वो ये आपको कह रहा है डाउन द ग्रुप, डाउन द ग्रुप क्या हो रहा है, डाउन द ग्रुप आयनिक रेडियस इंक्रीज हो रहा है, ये बात सही है, डाउन द ग्रुप रिड्यूसिंग एबिलिटी डिक्रीज हो रही है। देखो आपका मैग्नीशियम से बेरियम ये इजिली ऑक्सीडाइज हो जाता है, ठीक है, अब बेरियम जो है वो बहुत इजली ऑक्सीडाइज हो रहा है, मोस्ट इजली ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो वो गुड रिड्यूसिंग एजेंट होगा ना, और जो चीज गुड रिड्यूस नीचे जाते जाते रिड्यूसिंग एजेंट ज्यादा अच्छा बन रहा है, तो रिड्यूसिंग एबिलिटी डिक्रीज नहीं हो रही इंक्रीज हो रही है। तो इस क्वेश्चन के साथ ना इसको करेक्ट भी कर लो स्टेटमेंट, जो गलत है वो उसको सही कैसे कर सकते हैं। पार्ट सी में एज एटॉमिक नंबर इंक्रीज मतलब अगेन डाउन द ग्रुप बात कर रहा है, एटॉमिक नंबर डाउन द ग्रुप इंक्रीज होगा ना, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होती है इंक्रीज नहीं होती, इसलिए ये गलत है। एज एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस मतलब डाउन द ग्रुप फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, दोबारा वही लिख दिया नहीं, अच्छा एटॉमिक रेडियस इंक्रीज, डाउन द ग्रुप एटॉमिक रेडियस भी इंक्रीज ही होगा, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी अगेन डिक्रीज ही होनी है, डाउन द ग्रुप ही बात कर रहे हैं। सही है, समझ जाई बात? आगे बढ़े, देखो क्वेश्चन फोर कह रहा है विच प्रॉपर्टी शोज एन इंक्रीज फ्रॉम कैल्शियम टू बेरियम गोइंग डाउन ग्रुप टू। तो सॉल्युबिलिटी ऑफ हाइड्रोक्साइड इंक्रीज होता है, सल्फेट्स डिक्रीज होता है, ईज ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ मेटल कार्बोनेट डिक्रीज होता है, मतलब मुश्किल से डिकम्पोज होगा तो ईज डिक्रीज हो जाएगा ना। पार्ट डी बता सकते हो पार्ट डी क्यों गलत है, द वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गिवन ऑफ व्हेन 1 ग्राम ऑफ मेटल रिएक्ट विद वाटर। अगर मैं मैग्नीशियम को वाटर के साथ रिएक्ट करवाऊंगा तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनती है, ठीक है, ये इक्वेशन है बैलेंस्ड इक्वेशन इसकी। बेरियम को रिएक्ट कराऊंगा तो बेरियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस बनेगा, तो
वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस गिवन ऑफ व्हेन 1 ग्राम ऑफ मेटल रिएक्ट विद वाटर. तो डाउन द ग्रुप फ्रॉम कैल्शियम टू बेरियम, इसने कैल्शियम और बेरियम दिया हुआ है, तो मैं मैग्नीशियम ले लिया. देखो इसका मैग्नीशियम का जो अटोम 1 मोल है वो हाइड्रोजन का 1 मोल ऑफ गैस प्रोड्यूस कर रहा है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना कि 24 ग्राम मैग्नीशियम प्रोड्यूसिंग 24 डेसीमीटर क्यूब हाइड्रोजन. तो 1 ग्राम मैग्नीशियम कितनी प्रोड्यूस करेगा एक्स, तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी, 24 × 1/24. तो यहाँ पे बस एटॉमिक मास चेंज होता जाएगा डाउन द ग्रुप. कैल्शियम के लिए करेंगे तो यह आ जाएगा 24/40. तो डाउन द ग्रुप एटॉमिक मास इंक्रीज हो रहा है ना, तो डिनोमिनेटर में जब एटॉमिक मास बड़ा रखोगे तो पूरी वैल्यू छोटी हो जाएगी. तो जो गैस प्रोड्यूस्ड हो रही है, जो बेरियम प्रोड्यूस करेगा गैस वो कम प्रोड्यूस करेगा, कैल्शियम हाइड्रोजन गैस ज्यादा प्रोड्यूस करेगा. मतलब 1 ग्राम ऑफ बेरियम विल प्रोड्यूस लेस अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन गैस. तो वो पूछा था इंक्रीज, तो ये डिक्रीज हो रही है डाउन द ग्रुप. समझ आया ये डी ऑप्शन गलत क्यों है? अगर रिपीट करना है तो बता दो. मैं सही ऑप्शन तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड था, लेकिन डी गलत क्यों है, बस उसमें इंटरेस्टेड हूं मैं. बढ़ते रहे फिर आगे. क्वेश्चन 5 कह रहा है कंपाउंड Z इज इनसॉल्युबल इन वाटर बट सॉल्युबल एट लो पीएच. लो पीएच का मतलब भाई एसिड की बात कर रहा है. व्हाट कुड बी कंपाउंड Z? अब ये बेरियम सल्फेट एक इनसॉल्युबल सॉल्ट है, ठीक है, तो वो इनसॉल्युबल है. मैं डी से स्टार्ट कर रहा हूँ, क्यों उसका रीजन खुद ही समझ आ जाएगा. लो पीएच मतलब बेरियम सल्फेट को एसिड में डालोगे तो देखो इनसॉल्युबल चीज को एसिड में डालो कुछ भी नहीं होता, इनसॉल्युबल सॉल्ट को. हाँ, सॉल्युबल सॉल्ट को एसिड में डालोगे तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है, लेकिन इनसॉल्युबल सॉल्ट डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं करते हैं, एक बात तो ये याद रखना. तो बेरियम सल्फेट एसिड के साथ डालोगे कुछ भी नहीं होगा उसको. बेरियम हाइड्रोक्साइड सॉल्युबल होता है. अगर ये जेड है तो बेरियम हाइड्रो डाउन द ग्रुप सॉल्युबिलिटी ऑफ मेटल हाइड्रोक्साइड इंक्रीज होता है ना, तो बेरियम सबसे नीचे है ग्रुप 2 में, तो ये तो सॉल्युबल है. तो उसने तो पहली कंडीशन ही यही रखी हुई है कि जेड इनसॉल्युबल होना चाहिए, तो सी भी नहीं हो सकता. बेरियम क्लोराइड इज अ सॉल्युबल सॉल्ट, ठीक है, तो ये भी सॉल्युबल है. कार्बोनेट सॉल्ट जितने भी होते हैं ना वो इनसॉल्युबल होते हैं, बेरियम कार्बोनेट. और मेटल कार्बोनेट एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं ना, कोई भी एसिड ले लो, HCl ले लो, टू प्रोड्यूस सॉल्ट वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस. देखो सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्ट जो ओ लेवल में पढ़ते थे ना, वो भी थोड़ा सा याद रखो. जैसे हम बात करते थे डिफरेंट सॉल्ट की, जैसे नाइट्रेट्स के जितने भी सॉल्ट होते हैं, चाहे वो सोडियम नाइट्रेट हो, चाहे कैल्शियम नाइट्रेट हो, चाहे आयरन नाइट्रेट हो, कॉपर 2 नाइट्रेट हो, तो जितने भी नाइट्रेट सॉल्ट होते हैं वो सारे के सारे सॉल्युबल होते हैं. दुनिया का कोई भी नाइट्रेट सॉल्ट उठा लो ना, वो सॉल्युबल ही होगा. तो ऑल नाइट्रेट्स आर सॉल्युबल, तो इनसॉल्युबल मेटल नाइट्रेट होता ही नहीं है. इसी तरह क्लोराइड सॉल्ट्स की बात करते थे, जैसे आपका सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड, तो ऑल क्लोराइड सॉल्ट आर सॉल्युबल एक्सेप्ट सम क्लोराइड, जिसमें आप लेड 2 क्लोराइड पढ़ते थे, और ये प्रैक्टिकल में भी आए हुए होते हैं अभी इनके टेस्ट, PbCl2 हो गया. इसी तरह सिल्वर क्लोराइड हो गया, AgCl, जिसके वाइट पीपीटी बनता है. इसी तरह जितने भी सल्फेट सॉल्ट्स होते हैं
दे आर ऑल सॉल्युबल एक्सेप्ट फॉर, अब सॉल्युबिलिटी ऑफ सल्फेट्स डाउन द ग्रुप टू डिक्रीज होती है. तो आप जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम सल्फेट जो है वो सॉल्युबल है, लेकिन बहुत ज्यादा सॉल्युबल वो भी नहीं, बट कैल्शियम सल्फेट स्लाइटली सॉल्युबल है, तो हम इसको इनसॉल्युबल ही मानते हैं. कैल्शियम सल्फेट हो गया, स्ट्रॉन्शियम सल्फेट हो गया, और बेरियम सल्फेट हो गया. बेरियम सल्फेट तो वेल नोन इनसॉल्युबल सॉल्ट है, जिसका वाइट पीपीटी आप बार बार देखते हो, सल्फाइड बेरियम सल्फाइड बेरियम सल्फेट. ठीक है, इसी तरह लेड टू सल्फेट वाइट पीपीटी बनाता है, PbSO4. इसी तरह आपने कार्बोनेट्स की सॉल्युबिलिटी देखी थी, तो ऑल कार्बोनेट्स आर इनसॉल्युबल. इसमें कोई सिर्फ ग्रुप वन मेटल कार्बोनेट्स के अलावा सब इनसॉल्युबल होते हैं. तो सॉल्युबल मेटल कार्बोनेट्स कौन से होते हैं? ओनली ग्रुप वन मेटल कार्बोनेट्स. ग्रुप वन के तो सारे सॉल्ट सॉल्युबल होते हैं ना, चाहे ग्रुप वन का मेटल मैं क्लोराइड के साथ लगा दूं, चाहे नाइट्रेट के साथ लगा दूं, चाहे कार्बोनेट के साथ लगा दूं, चाहे सल्फेट के साथ लगा दो उसको, ठीक है, चाहे आयोडाइड के साथ लगा दो, ब्रोमाइड के साथ लगा दो, किसी भी एनायन के साथ लगा दो, ग्रुप वन का कोई भी मेटल जैसे फॉस्फेट के साथ लगा दो, तो ऑल ग्रुप वन सॉल्ट आर सॉल्युबल. ये भी लिख लो अपने पास, ऑल ग्रुप वन मेटल सॉल्ट्स आर सॉल्युबल. इसी तरह से जितने भी अमोनियम सॉल्ट्स होते हैं आपके पास, अमोनियम आयन के, अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम सल्फेट, तो ऑल अमोनियम सॉल्ट्स आर सॉल्युबल. कोई इनसॉल्युबल अमोनियम सॉल्ट होता ही नहीं है. इसके अलावा कुछ सिल्वर क्लोराइड हो गया, सिल्वर ब्रोमाइड हो गया, सिल्वर आयोडाइड हो गया, तो ये भी इनसॉल्युबल सॉल्ट्स होते हैं. इनके कलर भी याद रखने होते हैं. ग्रुप 17 में भी अभी हम पढ़ेंगे, सिल्वर क्लोराइड वाइट पीपीटी बनाता है, सिल्वर ब्रोमाइड ऑफ वाइट या क्रीम पीपीटी बनाता है, सिल्वर आयोडाइड येलो पीपीटी बनाता है. तो ये सब अपने पास लिख लो बातें सारी. चले आगे. चलो, तो ऑल मेटल कार्बोनेट ग्रुप टू के जितने भी मेटल कार्बोनेट सॉल्ट हैं, दे ऑल आर इनसॉल्युबल. क्वेश्चन 6 में कह रहा है, अ वाइट सॉलिड जेड इज सॉल्युबल इन वाटर. अ सैंपल ऑफ जेड इज हीटेड विद अ बंसन बर्नर अंटिल देयर इज नो फर्दर चेंज. व्हेन द रेजिड्यू इज शेकन विद वाटर, अ सॉल्यूशन इज फॉर्म विद नो सॉलिड रिमेनिंग. देखो, जो व्हाइट सॉलिड है जेड, वो हमें नहीं पता क्या है, लेकिन सॉल्युबल इन वाटर है. पानी में डाला तो डिजोल्व हो गया पानी में. अच्छा, जेड को अगर हम हीट करें तो डिकम्पोजिशन हो रही होगी मोस्ट प्रोबेबली. जब भी वो कह रहे हैं कि हीटिंग करें अंटिल देयर इज नो फर्दर चेंज, फर्दर चेंज मतलब मास डिक्रीज हो रहा होगा, गैस निकल रही होगी. अगर वो मेटल कार्बोनेट है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रही होगी, मेटल नाइट्रेट है तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन निकल रही होगी. क्योंकि ऑप्शन में देखो सारे ग्रुप टू या तो मेटल कार्बोनेट दिए हुए हैं या मेटल नाइट्रेट दिए हुए हैं, ये तो दोनों में ही होगा. मतलब कार्बोनेट भी डिकम्पोज होते हैं, मेटल नाइट्रेट भी डिकम्पोज होते हैं, लेकिन जो डाउन द ग्रुप वाले मेटल कार्बोनेट है वो मुश्किल से होते हैं, और मेटल नाइट्रेट वाले मुश्किल से, मतलब
हो तो जाएंगे लेकिन मुश्किल से होंगे. व्हेन द रेजिड्यू इज शेकन विद वाटर सॉल्यूशन इज फॉर्म. अच्छा पहले वो कह रहा है कि वाइट सॉलिड जेड इज सॉल्यूबल इन वाटर. अब देखो यहाँ से मेटल कार्बोनेट तो हट गया ना ऑप्शन से, क्योंकि ऑल अभी अभी पढ़ा था ऑल कार्बोनेट्स आर इनसॉल्युबल. तो सी और ए तो हटा दो, बचा नाइट्रेट सॉल्ट. नाइट्रेट सॉल्ट तो सारे सॉल्युबल होते हैं, तो बी और डी में से बचा ना आंसर. व्हेन द रेजिड्यू इज शेकन विद वाटर सॉल्यूशन इज फॉर्म विद नो सॉलिड रिमेनिंग. अब देखो कोई सॉलिड नहीं बचा, इट मींस के दोनों ही डिसॉल्व हो रहे हैं ना. मैग्नीशियम नाइट्रेट भी सॉल्युबल है, बेरियम नाइट्रेट भी सॉल्युबल है, मतलब उसने पहले ही कह दिया सॉल्युबल है. तो अब यहाँ पे आपके पास सिर्फ ये वाला जो है ना, अ सैंपल ऑफ जेड इज हीटेड विद बंसन थर्मल डिकम्पोजिशन के हिसाब से आंसर निकालना पड़ेगा. अब देखो हमने ये पढ़ा है कि सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉरी थर्मल डिकम्पोजिशन या थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ ग्रुप टू मेटल नाइट्रेट इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप. मतलब ये जो है ना, मैं तो इजिली डिकम्पोज हो जाएगी, लेकिन जो बेरियम नाइट्रेट है वो मोर स्टेबल है. लेकिन इस क्वेश्चन में कहीं ऐसा तो नहीं लिखा ना कि डिकम्पोज नहीं होगी, हो तो रही है ना. मतलब मैं अगर हाई टेम्परेचर पे करूं उसको हीट, तो डिकम्पोज तो ये भी होगी. तो मैं ये नहीं कह सकता कि भाई बेरियम नाइट्रेट जो है वो मोर स्टेबल है तो वो डिकम्पोज नहीं होगी, मैग्नीशियम नाइट्रेट हो जाएगी तो मैग्नीशियम नाइट्रेट ले लेते हैं. नहीं, अब हाई टेम्परेचर, अब इसने टेम्परेचर तो नहीं लिखा ना, उसने ये तो बोला है, ये तो नहीं बोला कि एक हो रही है डिकम्पोज या नहीं हो रही. उसने बोला डिकम्पोज तो हो रही है. अब दोनों डिकम्पोज तो हो सकती है, लेकिन बस फर्क क्या है कि बेरियम नाइट्रेट हाई टेम्परेचर पे होगी, मैग्नीशियम नाइट्रेट लो टेम्परेचर पे होगी. लेट्स से दोनों ही कंसिडर कर लेते हैं. मैग्नीशियम नाइट्रेट डिकम्पोज होगी तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बचेगा, बाकी जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस है वो तो उड़ जाएगी ना बनके. और बेरियम नाइट्रेट जब डिकम्पोज होगी तो बेरियम ऑक्साइड बचेगा, बाकी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस तो उड़ जाएगी. तो ये जो रेजिड्यू बचा है ना उनका, उसको देखना पड़ेगा. वो कह रहे हैं व्हेन द रेजिड्यू इज शेकन विद वाटर अ सॉल्यूशन इज फॉर्म विद नो सॉलिड रिमेनिंग. मतलब ये जो इनकी ऑक्साइड बनी है वो डिसॉल्व हो गई है पानी. अब मेटल ऑक्साइड की सॉल्युबिलिटी डाउन द ग्रुप इंक्रीज होती है, तो यहाँ से आप देख सकते हो मैग्नीशियम ऑक्साइड को हम इनसॉल्युबल लेते हैं, डाउन द ग्रुप सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होती है. तो इट मीन्स के वो कह रहे हैं कि पूरा का पूरा डिसॉल्व हो गया ना रेजिड्यू. तो इन दोनों मेटल ऑक्साइड में से कौन ज्यादा सॉल्युबल है? बेरियम ऑक्साइड है, उसी के चांस है पूरा का पूरा डिसॉल्व होने. मतलब बेरियम ऑक्साइड की बात कर रहे हैं तो जेड, बेरियम ऑक्साइड कहाँ से आया? बेरियम नाइट्रेट से आया, तो जेड क्या होगा? शुड बी बेरियम नाइट्रेट. हाँ भाई समझ आई कहानी या नहीं? चले आगे. फजील कैमरा ऑन है हमारा. क्या खा रहे हो वैसे? हाँ चलें क्वेश्चन 7 करें. समझ आ गया क्वेश्चन 6? मैं मिटा रहा हूँ, क्वेश्चन 7 के स्पेस में आ गया सब कुछ. अच्छा क्वेश्चन 7 में कह रहा है, सब्सटेंस एक्स रिएक्ट्स विद वाटर, अ गैस इज गिवन ऑफ एंड अ पीएच ऑफ द सॉल्यूशन इंक्रीजेस.
The solution is then reacted with sulfuric acid and a white PPT forms. तो ये स्ट्रेट फॉरवर्ड है. व्हाइट पीपीटी देख के ना मुझे यहाँ पे बेरियम लग रहा है, क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जब वो बेरियम कनेक्ट कराएंगे ना तो बेरियम सल्फेट बनेगा, और बेरियम सल्फेट इज अ वेल नोन व्हाइट पीपीटी. ठीक है, आप टेस्ट फॉर आयंस के टेबल में भी मिलेगा आपको प्रैक्टिकल वाले. और गैस क्या मिलेगी, हाइड्रोजन गैस मिलेगी, क्योंकि मेटल एसिड के साथ रिएक्ट कर रहे हैं. बेरियम ऑक्साइड भी रिएक्ट कर जाएगा एसिड के साथ, बेस है ना, मेटल ऑक्साइड है, लेकिन गैस तो नहीं बनेगी ना, सॉल्ट एंड वाटर बनेगा. तो बेरियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड तो देखने का फायदा नहीं, क्योंकि गैस नहीं बनाएंगे. वाटर के साथ बेरियम ऑक्साइड को पानी में डालोगे तो डिजोल्व होगी, बेरियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा, गैस तो नहीं बनाएगा ना. गैस तो तब बनती है जब मेटल को वाटर में डालो. बेरियम मेटल को वाटर में डालोगे तो बेरियम हाइड्रोक्साइड बनेगी और साथ में हाइड्रोजन गैस बनेगी. तो मतलब मेटल है बेरियम या मैग्नीशियम, लेकिन सल्फ्यूरिक एसिड के साथ मैग्नीशियम सल्फेट बनेगा, और सल्फेट्स की सॉल्युबिलिटी डाउन द ग्रुप डिक्रीज होती है. तो बेरियम सल्फेट इज लाइकली टू बी इनसॉल्युबल एज कंपेयर टू मैग्नीशियम सल्फेट, इसलिए ए आंसर होगा. चले भाई आगे बढ़े. इनसॉल्युबल का तो डायरेक्टली नहीं लिखा, लेकिन उसने बोला है ना व्हाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म. तो प्रेसिपिटेट किस चीज के होते हैं, इनसॉल्युबल चीज के ही होते हैं ना. सही, चलो भाई क्वेश्चन 8 तो मैं होमवर्क के लिए छोड़ा हूँ. क्वेश्चन 8-9 आसान है, क्वेश्चन 10 देख लेते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा है, ग्राफ वाला है ना. द रिलेटिव मेल्टिंग पॉइंट ऑफ फोर कंसेक्यूटिव एलिमेंट्स इन पीरियोडिक टेबल आर शोन. द एलिमेंट्स ऑल हैव प्रोटॉन नंबर लेस देन 20, मतलब बिफोर कैल्शियम है सारे. विच एलिमेंट इज इन ग्रुप 16. अब मेल्टिंग पॉइंट का ट्रेंड हमने देखा है अक्रॉस द पीरियड, चाहे पीरियड 2 हो चाहे पीरियड 3 हो, एक ही ट्रेंड है. पहले ग्रुप 1 का मेटल होगा, फिर ग्रुप 2 का मेटल होगा, फिर ग्रुप 13 का मेटल होगा, फिर ग्रुप 14 जॉइंट कोवेलेंट, फिर उसके नीचे आ जाएगा आपका फॉस्फोरस अगर पीरियड 3 की बात कर रहे हो, फिर सल्फर था, फिर क्लोरीन था, लाइक दिस. सही है, तो ये ग्रुप 1 2 13 14 15 16, तो 16 ये वाला है जो यहाँ से उठ रहा है दोबारा. हमने पीरियड 3 के ट्रेंड में पढ़ा था ना, तो आप पीरियड 2 का भी ऐसी ट्रेंड होगा चाहे कोई भी हो. सही है, क्वेश्चन 8 चलो कर लेते हैं अभी. सॉल्यूशंस ऑफ बेरियम हाइड्रोक्साइड. बेरियम हाइड्रोक्साइड तो हो गया, जो डिसॉल्व नहीं हुआ रिमेनिंग कैल्शियम आयन. सही है, तो जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डिसॉल्व, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रेजिड्यू में रह जाएगा, आयनाइज हो गया, अल्कली बना लिया उसने, वो एक्वस फॉर्म में फिल्ट्रेट में आ जाएगा, और ये अल्कली अल्कलाइन सॉल्यूशन बनाएगा. इसमें से कह रहा है कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पास किया, कार्बन डाइऑक्साइड गैस एसिड है, अल्कली के साथ रिएक्ट करेगी ना,
ऑल कार्बोनेट्स आर इनसॉल्युबल, और सारे मेटल सॉल्ट्स वाइट ही कलर के होते हैं सिवाय ट्रांजिशन मेटल्स के। यहाँ ट्रांजिशन मेटल तो कोई भी इन्वॉल्व नहीं, तो कैल्शियम कार्बोनेट का ही होगा ना वाइट पीपीटी। लेकिन अभी इसको हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड तक तो बात समझ आ गई, लेकिन बेरियम हाइड्रोक्साइड ने भी तो रिएक्ट करना है ना कार्बन डाइऑक्साइड से। अच्छा द मिक्सचर इज, देखो बाय तो सॉरी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होगा। साइड के बारे में क्या कह रहा है, प्रोड्यूसिंग अ सेकंड वाइट प्रेसिपिटेट साइड। अच्छा वो कंटिन्यू कर रहा है रिएक्शन को, फिर कह रहा है द मिक्सचर इज फिल्टर्ड एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज बबल्ड थ्रू द फिल्टर्ड प्रोड्यूसिंग अ सेकंड वाइट पीपीटी। तो अच्छा ये कंटिन्यू कर रहा है, तो देखो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा आयशा, देखो व्हाइट पीपीटी बेरियम का भी बनता है, कैल्शियम का भी व्हाइट पीपीटी ही होता है। सारे ग्रुप जितने मेटल सॉल्ट्स हैं व्हाइट पीपीटी होते हैं सिवाय ट्रांजिशन मेटल्स के। तो मैं बेरियम कार्बोनेट को इस तरह से नहीं कह सकता कि व्हाइट पीपीटी है इस वजह से। हाँ लेकिन उसने जो है ना दोनों, जो बेरियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दोनों की दोनों जो है ना उसने वाटर में डाली है, दोनों एक साथ डाली है वाटर में। तो बेरियम हाइड्रोक्साइड तो डिसॉल्व हो जाएगी ना, अल्कलाइन सोल्यूशन बना लेगी। फिर तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो व्हाइट पीपीटी उसने फिल्टर करके निकाला है, डेट शुड बी कैल्शियम। अच्छा मैंने जो है ना इसको ऐसे परसी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अमिक्स दोनों को साथ मिला है, सही है। तो इसमें जो पीपीटी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को फिर हम रिलेटिवली इनसॉल्युबल लेंगे एज कंपेयर टू बेरियम हाइड्रोक्साइड, क्योंकि बेरी डाउन द ग्रुप सॉल्युबिलिटी ऑफ मेटल हाइड्रोक्साइड इंक्रीज होता है। तो बेरियम हाइड्रोक्साइड विल बी कंसिडर्ड टू बी सॉल्युबल एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वुड बी कंसिडर्ड टू बी इनसॉल्युबल। तो जो रेजिड्यू में है पीपीटी वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का है, वो निकाल लिया तो फिर सोल्यूशन में फिल्ट्रेट में हमारे पास बेरियम हाइड्रोक्साइड रह गया, और फिर उसमें कह रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास करवाइए। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ जब बेरियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड में डिजोल्व के कार्बोनिक एसिड बना लेगा, द सॉल्ट प्रोड्यूस वुड बी बेरियम कार्बोनेट, इसका भी वाइट पीपीटी होगा, सही है। तो दिस शुड बी बेरियम कार्बोनेट जेड का जो बना है ना आफ्टर रिएक्टिंग विद कार्बन डाइऑक्साइड जो पीपीटी आ रहा है, इट शुड बी बेरियम कार्बोनेट, सही। आयशा समझ आई बात? और वैसे खुद से किसी ने और क्वेश्चन को ट्राई किए हैं? हम क्वेश्चन, चलो क्वेश्चन 11 तो आसान देख लो। चलो एल एम एन एन आर ग्रुप टू मेटल्स, एल रिएक्ट मोर विगरेसली विद हेलियम हाइड्रोक्लोरिक एसिड देन एन। जो मोर विगरेसली रिएक्ट ज्यादा, तो एल और एन में से ज्यादा रिएक्टिव कौन है जो मोर विगरेसली रिएक्ट कर रहा है, मतलब एल ऊपर है और एन नीचे है। तो पहले तो मैं ये देख लूं कि उस हिसाब से तो एल ऊपर अगर है तो बेरियम तो नीचे होता है स्ट्रॉन्शियम से, तो ए तो ऐसे ही गलत हो गया। हाँ बी हो सकता है, और कैल्शियम मोर रिएक्टिव, कैल्शियम भी एल इज मोर रिएक्टिव ना, शुड बी बिलो एन, एल जो होगा वो शुड बी बिलो एन, नीचे
होता है ना, सॉरी ये तो ठीक है इस हिसाब। नीचे होता है कैल्शियम से, तो बी भी सही है, और से तो सी और डी तो मैं इसलिए हटा दूंगा। अब ए और बी में से सिलेक्ट करना है, तो बाकी आगे का क्वेश्चन कह रहा है कि इस मेटल एम की जो हाइड्रोक्साइड है इज मोर सॉल्युबल देन एन हाइड्रोक्साइड, तो एम जो होगा मोर सॉल्युबल है तो वो डाउन द ग्रुप होगा देन एन, नीचे होगा पर होता है, कैल्शियम से नीचे स्ट्रॉन्शियम होता है, तो बी बन गया इसका आंसर। सही है, मतलब कोई सच मुश्किल नहीं है, बस आप इतनी सारी चीजें कंपेयर करनी है ना एक साथ याद करके। ठीक समझ आएगी, दोबारा समझाऊं, मतलब इनमें जो ये रिएक्टिविटी डिसाइड करनी है कि एल इज मोर रिएक्टिव देन एन, तो एल ऊपर होगा एन से, और एम हाइड्रो देखना था आपने, इसमें एल को बेरियम अगर कहो फिर एन स्ट्रॉन्शियम कहो, तो इस तरह से ऑर्डर आपने डिसाइड करना था, मतलब ये मैंने उल्टा लिख दिया, ये यूं लिखना चाहिए एम ऊपर एन और एल सबसे नीचे। इस हिसाब से अगर एल बेरियम है जो है वो कैल्शियम और फिर स्ट्रॉन्शियम, क्योंकि ऑर्डर क्या है ग्रुप और बेरियम है, तो ये सही बन रहा है। चलें आगे, क्वेश्चन 12। अच्छा क्वेश्चन 12 में कह रहा है सॉल्यूशन 0.1 मोल पोटेशियम मैग्नीशियम नाइट्रेट एंड 0.1 मोल पोटेशियम क्यूब ऑफ बेरियम नाइट्रेट सेपरेटली अंडरगो अ सीरीज ऑफ रिएक्शन यूजिंग फ्लोर रिएजेंट्स। मैग्नीशियम नाइट्रेट में एक्वस है, सोडियम कार्बोनेट डाला, सोडियम कार्बोनेट भी एक सॉल्युबल सॉल्ट है क्योंकि ग्रुप 1 मेटल कार्बोनेट है ना, तो एम बना। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुआ होगा, दोनों सॉल्युबल हैं, फिर उसको एक्सेस एसिड में बॉईल किया, फिर उसमें एक्सेस सोडियम हाइड्रोक्साइड डाला, पी बना। ओके, और एम एन एंड पी को कह रहे हैं मैग्नीशियम कंपाउंड से, मतलब देखो मैग्नीशियम नाइट्रेट में पहले सोडियम कार्बोनेट विच इज Na2CO3, दोनों सॉल्ट हैं, दोनों सॉल्युबल सॉल्ट है, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है दो सॉल्युबल सॉल्ट में, सोडियम मोर रिएक्टिव मेटल है डिस्प्लेसेस द लेस एक्टिव मेटल व्हिच इज मैग्नीशियम, तो सोडियम नाइट्रेट बनेगा और मैग्नीशियम कार्बोनेट के साथ आ जाएगा, ये बन जाएगा मैग्नीशियम कार्बोनेट जो कि एक इनसॉल्युबल सॉल्ट है। अब मेटल कार्बोनेट है, एसिड के साथ रिएक्ट होगा तो प्रोडक्ट में सॉल्ट वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी। सही है, जो सॉल्ट बनेगा वो मैग्नीशियम का कंपाउंड क्या होगा, मैग्नीशियम क्लोराइड। सही है, और फिर वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अच्छा, फिर इसमें एक्सेस सोडियम हाइड्रोक्साइड डाला है, और सोडियम हाइड्रोक्साइड हम यूजुअली तब डाल रहे होते हैं जब हम क्या कहते हैं प्रेसिपिटेट टेस्ट कर रहे होते हैं ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड एक्सेस सोडियम हाइड्रोक्साइड। आगे बढ़े, नीचे वाली लाइन में कह रहा है बेरियम नाइट्रेट को अगेन सोडियम कार्बोनेट में डाला, QRNS था बेरियम कंपाउंड्स, तो ये बनाएगा बेरियम कार्बोनेट क्यूब में, क्यू इज बेरियम कार्बोनेट, एसिड में डालोगे तो जो क्लोराइड है HCl है तो बेरियम क्लोराइड आर की जगह। अच्छा, बेरियम कार्बोनेट इज एन इनसॉल्युबल सॉल्ट, अब आ गया आपके पास क्लोराइड सॉल्ट ना, मैग्नीशियम क्लोराइड और बेरियम क्लोराइड,
अब देखो ये जो एक्सेस सोडियम हाइड्रोक्साइड हम डाल रहे हैं ना, इसमें फिर अब आप लोगों ने आई होप सबने सॉल्ट एनालिसिस के प्रैक्टिकल्स तो स्टार्ट कर दिए होंगे। कर दिए है ना, तो हम लोग मैं दिखा देता हूँ वो टेबल पेपर 3 में तो गिवन होगा लेकिन पेपर 2 में नहीं मिलने वाला वो। ये वाला है, अब देखो इसमें आप जब सोडियम हाइड्रोक्साइड डालते हो तभी हम बात कर रहे हैं 2 कैटाइन्स की, मैग्नीजियम आयन और बेरियम आयन की। तो बेरियम आयन के साथ वाइट पीपीटी आता है, ठीक है, और मैग्नीजियम आयन के साथ भी वाइट पीपीटी आता है which is insoluble in excess। सही है, तो बेरियम आयन के साथ जब आप एक्सेस सोडियम हाइड्रोक्साइड डालते हो ना तो वो कुछ हद तक डिसॉल्व हो जाता है वापस, और मैग्नीशियम आयन के साथ इट स्टेज इनसॉल्युबल। मतलब अगर आप सोडियम हाइड्रोक्साइड, अब ये देखो जब प्रैक्टिकल करो तो इस टेबल को वैसे याद करने की जरूरत नहीं होती है, लेकिन ग्रुप 2 के 2 ही तो मेटल आइंस हैं इस टेबल में, तो ग्रुप 2 का एक चैप्टर है हमारे पास, तो बाकी का कैल्शियम भी है, कैल्शियम का भी वाइट पीपीटी बनता है। ये 3 कर लेना यार ग्रुप 2। साइड में कर देन जब बहुत कम हो वाइट और मैग्नीशियम के ज्यादा तो एक तो वाइट पीपीटी, एक बेरियम कार्बोनेट का कंफर्म हो गया। वो ये पूछे ना हाउ मेनी ऑफ MnP, तो मैम का वाइट पीपीटी होगा। क्लोराइड सॉल्ट्स तो हम तो मैग्नीशियम क्लोराइड सॉल्युबल सॉल्ट है, बेरियम क्लोराइड भी सॉल्युबल सॉल्ट है, तो NNR, तो ये तो वाइट पीपीटी नहीं देगा। बचा फिर P&S। P&S में से अभी हमने देखा कि बेरियम आयन अगर है सोल्यूशन में और आपने उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड डाल दिया तो वाइट पीपीटी मिलेगा, लेकिन अगर बेरियम आयन की कंसंट्रेशन कम है तो नहीं दिखेगा वाइट पीपीटी। तो इसके साथ वाइट पीपीटी के चांसेस कम है बेरियम के, मतलब आई विल कंसिडर इट एक्सेस सोडियम हाइड्रोक्साइड में इज सॉल्युबल। लेकिन जो मैग्नीशियम क्लोराइड है उसके साथ क्लियरली लिखा हुआ होता है कि वाइट पीपीटी आएगा इनसॉल्युबल इन एक्सेस। तो मतलब पी जो है वो
वाइट पीटी देगा आपको, तो पी देगा वाइट पीटी, एस को हम हटा देते हैं, तो तीन हमें दे रहे हैं, एम पी एन क्यू, थ्री हो जाएगा। बहुत अजीब सा गंदा सा क्वेश्चन है ये, लेकिन थोड़ी चीजें कभी कभार वो इस तरह की ना वहां पर आके दे देता है, प्रैक्टिकल वाला पढ़ोगे तो पढ़ते तो हो प्रैक्टिकल के लिए, लेकिन वो याद नहीं कर रहे होते हम लोग ना, क्योंकि वो मिलता है एग्जाम में। आगे बढ़े, क्वेश्चन 13 कर लोगे खुद ही, मोल्स है। आयशा पूछ रहे हो कुछ? क्वेश्चन 13 में कह रहा है 4 ग्राम सैंपल ऑफ एनहाइड्रस ग्रुप टू मेटल नाइट्रेट, एनहाइड्रस मतलब विदाउट वाटर, मेटल नाइट्रेट है, इज हीटेड स्ट्रॉन्गली अंटिल देयर इज नो फर्दर चेंज, सॉलिड रेजिड्यू ऑफ मास 1.37 ग्राम इज फॉर्म। रेजिड्यू किसका होगा? मेटल ऑक्साइड का होगा, मतलब अगर हमारे पास जिस चीज का भी मेटल नाइट्रेट है जैसे बेरियम का है, अब ये सबको सॉल्व करके देखना पड़ेगा, और कोई इसका ऑप्शन नहीं है। बेरियम ऑक्साइड बनाएगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस बनाएगा और ऑक्सीजन गैस, ये इक्वेशन याद कराइए ना, हाफ ऑक्सीजन के साथ और 2 मोल ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। आपने सिर्फ बेरियम नाइट्रेट के मास से बेरियम ऑक्साइड का मास निकाल के देखना है, मतलब इसके एमआर से जो है वो बेरियम ऑक्साइड का एमआर बनेगा, तो 4 ग्राम से कितना बनेगा, जिसमें आंसर 1.37 ग्राम आ रहा है वो आपका आंसर है। तो बेरियम नाइट्रेट के लिए करोगे, फिर कैल्शियम नाइट्रेट के लिए करोगे इक्वेशन बना के, मैग्नीशियम नाइट्रेट के लिए करोगे और स्ट्रॉन्शियम नाइट्रेट के लिए करोगे, मतलब सबके अंदर आपको एक ही काम करना है कि जो भी आपका मेटल ऑक्साइड का एमआर आएगा उसको मल्टीप्लाई बाय 4 करोगे, डिवाइडेड बाय उसकी मेटल नाइट्रेट के एमआर से, तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ मेटल ऑक्साइड, जैसे पहले बेरियम ऑक्साइड का मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ बेरियम नाइट्रेट और मल्टीप्लाई बाय 4, जिसमें आंसर 1.37 ग्राम आएगा वो तुम्हारा आंसर। अब ये कैलकुलेटर में बस एमआर निकाल के ऊपर न्यूमरेटर में फ्रैक्शन एक साथ लिखो, कैलकुलेटर में न्यूमरेटर में ऑक्साइड का एमआर लिखो, डिनोमिनेटर में उसकी मेटल नाइट्रेट का एमआर लिखो और मल्टीप्लाई बाय 4 कर दो, ठीक है, जिसमें 1.37 आ जाए वो आंसर है। तो थोड़ा सा स्मार्टली करना पड़ता है ऐसे क्वेश्चंस को। अब सारी इक्वेशन लिखने की जरूरत नहीं है, आपको पता है सारे ग्रुप टू हैं तो सबकी इक्वेशन एक ही बनती है, कर लोगे इसको। चलो करना क्वेश्चन 13, ना आए आंसर तो फिर बताना नेक्स्ट क्लास में, कर लेंगे सॉल्व। क्वेश्चन 14 में कह रहा है इन व्हिच रो ऑल स्टेटमेंट्स कंपेयरिंग मैग्नीशियम एंड बेरियम आर करेक्ट, ये कर लेना खुद ही। 15 देखते हैं, व्हिच स्टेटमेंट एक्सप्लेन द ऑब्जर्वेशन दैट मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड डिसॉल्व इन एक्वस अमोनियम क्लोराइड बट नॉट इन एक्वस सोडियम क्लोराइड। ओके, दिस इज डिफरेंट। देखो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ये हमारे लिए एल्कली है ना, हाइड्रोक्साइड है, कह रहे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड डिसॉल्व हो रहा है एक्वस अमोनियम क्लोराइड में, बट नॉट इन एक्वस सोडियम क्लोराइड। डिसॉल्व होने का मतलब कि भाई रिएक्ट कर रहा है उसके साथ। अब
ओ लेवल का एसिड बेसिस सॉल्ट याद है? ये वैसे ना उसमें नाइट्रोजन एंड सल्फर में पढ़ेंगे रिएक्शन। एल्केलीज के दो रिएक्शन थे, एल्केली या बेस के दो रिएक्शन क्या थे कि एल्केली रिएक्ट करता है एक तो एसिड के साथ टू प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर, और दूसरे रिएक्शन इनका था अमोनियम सॉल्ट्स के साथ। वो याद है जब फार्मर को कहा जाता है कि डू नॉट ऐड फर्टिलाइजर एंड बेस कैल्शियम ऑक्साइड या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड टुगेदर, उससे क्या होगा कि एल्केली और अमोनियम सॉल्ट आपस में रिएक्ट करते हैं टू प्रोड्यूस सॉल्ट वाटर एंड अमोनिया गैस। तो ये मैग्नीशियम क्लोराइड बनेगा, साथ में वाटर बनेगा और अमोनिया गैस बनेगा। इसलिए वो कह रहे हैं कि डिजोल्व मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड अमोनियम क्लोराइड के साथ तो डिजोल्व हुआ है, लेकिन एक्वा सोडियम क्लोराइड के साथ डिजोल्व हुआ। सोडियम क्लोराइड के साथ उसका कोई रिएक्शन है ही नहीं ना, एल्केली का सॉल्ट के साथ कोई रिएक्शन है ही नहीं। हाँ, एल्केली का अमोनियम सॉल्ट के साथ रिएक्शन है, नॉर्मल सॉल्ट के साथ नहीं है। अमोनियम सॉल्ट के साथ एक स्पेशल रिएक्शन है जिसमें सॉल्ट वाटर और अमोनिया गैस बनती है, तो उसकी बात कर रहा है। वही कह रहा है कि कौन सी स्टेटमेंट इस चीज को एक्सप्लेन कर रही है। अब अमोनियम सॉल्ट में ऐसा क्या खास बात है जो कि सोडियम क्लोराइड में नहीं है? अमोनियम सॉल्ट में अमोनियम आयन है, ठीक है। अब देखो, हमने केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ा था, उसमें हमने देखा था कि अमोनिया को अगर हम पानी में डालते हैं तो इट फॉर्म्स अमोनियम आयन एंड हाइड्रोक्साइड आयन। तो जब ये इक्विलिब्रियम राइट पे जाता है तो अमोनिया जो है वो अमोनिया मॉलिक्यूल एज अ बेस बिहेव करेगा और वाटर जो है वो एज अ एसिड काम करेगा। लेकिन जब ये इक्विलिब्रियम लेफ्ट पे आएगा तो अमोनियम आयन उसका कॉन्जुगेट एसिड होगा क्योंकि वो प्रोटॉन डोनेट कर रहा होगा, और हाइड्रोक्साइड आयन एक्सेप्ट कर रहा होगा प्रोटॉन तो कॉन्जुगेट बेस होगा। तो अमोनियम आयन बेसिकली अमोनिया तो एज अ बेस बिहेव करते हैं NH3, लेकिन जो अमोनियम आयन है ना वो एज अ एसिड बिहेव करता है। ये रीजन है कि अमोनियम सॉल्ट एल्केली के साथ रिएक्ट कर रहा है क्योंकि उसमें अमोनियम आयन एज एसिड काम कर रहा होता है, लेकिन सोडियम क्लोराइड में सोडियम आयन ऐसे एसिड काम नहीं करता, वो नहीं प्रोटॉन डोनेट कर रहा। अमोनियम आयन प्रोटॉन डोनेट कर सकता है क्योंकि उसके पास एक हाइड्रोजन होता है एक्स्ट्रा। तो आंसर बता दो क्या होगा, डी अमोनियम आयन कैन डोनेट अ प्रोटॉन। ए बी सी भी पढ़ लो, क्यों गलत है? आयनिक रेडियस से फर्क नहीं पड़ना। अमोनियम क्लोराइड डिसोसिएट लेस फुली देन सोडियम क्लोराइड। अब डिसोसिएशन, ये तो रिएक्शन हो रहा है ना, डिसोसिएशन से कुछ कंप्लीटली डिसोसिएट है, चाहे वो अमोनियम क्लोराइड हो चाहे वो सोडियम क्लोराइड हो। सोडियम क्लोराइड में सोडियम आयन और क्लोराइड आयन अलग अलग हो जाएगा, तो ये बोलना कि अमोनियम क्लोराइड कम डिसोसिएट कर रहा है ये बात ही गलत। फिर कह रहा है कि सोडियम आयन मैग्नीशियम आयन हैव द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नहीं, उसका क्या गलत है, समझाने भी नहीं जा सकता उसको गलत क्यों है। करोगे इसके क्वेश्चंस करने पड़ेंगे सारे, इसमें आई थिंक अराउंड 60 के करीब एमसीक्यूज दिए हुए हैं। एमसीक्यू सारे करो, पेपर टू तो खुद ही हो जाएगा। पहले एमसीक्यूज करो सारे इसके, क्लियर है? कोई सवाल है तो पूछ सकते हो ना जा सकते हो आप लोग।